हेलो गैज वेलकम बैक टू टेलीव अपडेट्स तो गैज आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के फेमस रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 14 के बारे में जो कि कलर्स स्ट्री पे आता है तो गैस बिग बॉस एक काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और पॉपुलर शो है जैसे कि आपको पता है पिछला सीजन भी काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था इसका काफ़ी टीआरपी वगैरह में वेल परफॉर्म किया था काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड वगैरह किया था इन्होंने पिछली बार बिकॉज टी ही इतनी ज़्यादा बढ़िया आ रही थी और वो जाते थे और हाइप क्रिएट हो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी पिछले सीजन की काफ़ी कंटेस्टेंट से हालांकि ये सीज़न भी काफ़ी अच्छा आई मीन डिसेंट परफॉर्म कर रहा है वोट वगैरह तो में भी काफ़ी ज़्यादा लोग देख रहे हैं और हाइप भी काफ़ी ज़्यादा है लोगों में लेकिन पिछले सीज़न जितना टी तो नहीं ला रहा इस बार लेकिन वो फिर भी ठीक है समझ आता है बिकॉज़ इस बार काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी थे जो इन्होंने फेस करने थे जैसे कि लॉकडाउन वगैरह के बाद सबका इंटरेस्ट वगैरह टीवी से हटकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जा चुका था लेकिन फिर भी डिसेंट टीआरपी तो ला ही रहा है बिग बॉस कलर्स टी के लिए और ऑनेस्टली मेरे हिसाब से तो ये वाला सीजन पिछले सीजन से कई गुना बेहतर है तो वह पिछले सीजन को जैसा कि काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड करते गए थे बिकॉज ऑफ हाई टीआरपी इस बार भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है कलर्स टी को ऊपर भी ला रहा है टीआरपी चार्ट्स में तो मेकर्स डिसाइड कर रहे हैं इसको और एक्सटेंड करने की यानी कि इस साल का जो सीज़न है उसको भी मेकरस चाहते हैं थोड़ा बहुत एक्सटेंड करना बिकॉज अभी आप सोच रहे होंगे जितने मेकर जितने कंटेस्टेंट्स हैं फाइनल बस उनके एक एक हफ्ते में सब निकल जाएंगे या फिर फिर सीधा टॉप ग्रैंड फिनाले आ जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला है अभी भी कुछ काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट वग़ैरह आने वाले हैं एक्सटेंशन मिलने वाली है शोज़ को एक्सटेंशन कैसे मिलती है ऑब्वियसली कुछ हफ्ते ऐसे निकलते हैं जब कोई एविक्शन नहीं आती और कुछ हफ्ते ऐसे होते हैं जब वाइल्ड कार्ड्स एंटर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मेकर्स के पास पास प्लान हैं इसको एक्सटेंड करने को तो अभी के लिए कन्फर्म्ड तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता लेकिन डिसीजन ज़रूर पीछे आई मीन टॉक्स ज़रूर चल रही हैं शो को एक्सटेंड करने की सीज़न को एक्सटेंड करने की कितना एक्सटेंड करना चाहते हैं तो गाइज़ दो महीने तक का की एक्सटेंशन तो देना ही चाहते हैं मेकर्स और चैनल बिग बॉस के सीज़न फोटीन को तो दो हफ्ते की एक्सटेंशन अभी देना चाहते हैं और गाइज़ ऑल्सो जो और बड़ी खबर जो है वो ये है कि ये भी डिसीजंस आई मीन ये भी टॉक्स चल रही हैं ये कि जो लास्ट पुराने सीजनस के कंटेस्टेंट्स वगैरह हैं वो भी इस शो को वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में एंटर कर सकते हैं आई मीन वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर वैसे नहीं जैसे गौरव हीना वगैरह आए थे वैसे सीनियर्स बनकर नहीं लेकिन एक पर परमानेंट परफेक्ट वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में पुराने कंटेस्टेंट से शो इस सीज़न को ज्वाइन कर सकते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा ट्विस्ट और टर्न होगा और जैसा कि शो की इस सीज़न का वो टैगलाइन भी यही है कि अब सीन पलटेगा तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है कि ये हो बिकॉज मेकर ये, ये काफ़ी ज़्यादा दिमाग चला रहे हैं अपना कि कैसे सीन पलटा जाए और क्या क्या नए नए ट्विस्ट लाए जाएँ इस सीज़न में तो ये भी वो सोच रहे हैं कि पुराने सीजन के कंटेस्टेंट्स को इस सीज़न में वाइल्ड कार्ड डालकर भेजें जो विनर नहीं बन पाए हैं मोस्ट प्रोबेबली जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स थे पुराने सीजन के किसी भी सीजन से हो सकते हैं लेकिन विनर ना बन पाए ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग हुआ बिकॉज काफ़ी इतने चौदह सीजन में ऐसा कभी नहीं हुआ बिग बॉस इंडिया की हिस्ट्री में कि पुराने अलग सीजन से बंदे को दूसरे नए सीजन में डालें वाइल्ड कार्ड बनाकर सीनियर वगैरह वाला, वाला कॉन्सेप्ट अलग था लेकिन वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट प्रॉपर बना के भेजना वो अलग चीज़ है तो गैस अभी के लिए ये जो भी मैंने आपको बताया ये फ़ाइनलाइज तो नहीं है लेकिन ज़रूर टॉक्स चल रही हैं डिसीजनस वगैरह ले रहे हैं मेकर्स वगैरह और इस चीज़ों इन चीज़ों की डिस्कशंस चल रही हैं कि ये सब करें या फिर ना करें जो एक्सटेंशन की न्यूज़ है और ये जो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज़ की खबर है ये इसको आप हंड्रेड परसेंट कन्फर्म्ड तो अभी के लिए नहीं है लेकिन ज़रूर इसके बारे में चर्चा चल रही है बिहाइंड द सीन्स और जल्दी हमें कन्फर्मेशन देखने को भी मिल जाएगी तो मैं फ़ाइनलाइज तो नहीं कह सकता लेकिन ऐसा कह सकता हूँ कि पीछे इस पर चर्चा हो रही है और गैज़ मैं आपको ये भी बता दूँ जो इस बार वीकेंड का वार आने वाला है कुछ एडिशनल खबरें दे देता हूँ आपको तो इस हफ्ते का जो वीकेंड का वार होगा बिग बी बी फोर्टीन का तो उसमें काम्या पंजाबी विकास गुप्ता और कविता कौशिक के जो हस्बैंड हैं रोहित बिश्वास वो देखने को मिलेंगे आपको वीकेंड का वार में तो जो कि बिग बॉस के सलमान खान के साथ और जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके साथ चैट करते हुए आपको नजर आएंगे तो बस यही थी कुछ न्यूज़ बिग बॉस के बारे में ज़रूर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी अगर लगी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं सिचुएशन पर आपको क्या लगता है क्या होगा एक्सटेंड होगा या नहीं और वाइल्ड कार्ड वाली बात लाइक करिए शेयर कीजिए बिग बॉस के फैंस के साथ चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएँ अगर आप कोई लेटेस्ट टी वी शोज न्यूज़ चाहिए होती है तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी जुड़े रहिए हमारे साथ आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं कल के न्यू वीडियो में गुड बाय